नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर से आपके सामने टीसीएस के ऊपर एक नया जॉब लेके आया हूँ। और टीसीएस ने एक फ्रेशर्स वाला एक हायरिंग स्टार्ट किया है, और वो भी वर्क फ्रॉम होम के लिए। और ऑफिसेज में भी आपको जॉब मिल सकता है, तो किसी भी जगह पे आपको जॉब मिलेगा। शायद आपको घर बैठे भी जॉब मिल सकते हैं और ऑफिसेज में भी मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कशन करूंगा। जॉब का रोल क्या होगा, साथ ही साथ आपको किस तरीके से काम करना पड़ेगा, अगर काम होगा भी तो आपको सैलरीज कितने मिलेंगे और कैसे आप अप्लाई करेंगे, वो सारे डिटेल्स इस वीडियो में आपको डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं इस वीडियो में जॉब के डिटेल्स क्या है। देखिए, जॉब एक्चुअली जो जॉब है आपको बीपीएस में जॉब मिलेगा। देखिए, बीपीएस आप सभी जानते हैं कि जो कॉल सेंटर के जॉब होते हैं, तो उसी कैटेगरीज को बीपीएस कहा जाता है। अगर आप कॉल सेंटर रिलेटेड जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं मुझे इस तरीके से जॉब नहीं चाहिए, तो आप इस वीडियो से एग्जिट कर सकते हैं। तो देखिए, डिटेल्स में देख भी सकते हैं किस तरीके से जॉब को अप्लाई करने का मौका दिया जाता है और सैलरीज वगैरह किस तरीके से दिया जाता है। देखिए, सिलेक्शन होने के बाद ही आपको पता चलेगा एक्चुअली आपको वर्क फ्रॉम होम होगा कि वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा। तो कहाँ पे जॉब मिलेगा वो आपको सिलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा। तो टीसीएस रिकमेंड कर रहा है, और दो अलग अलग कैटेगरीज है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज के ऊपर। तो दोनों अलग कैटेगरीज के ऊपर पोस्ट दिया गया है, आप किसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए, एज लिमिट 18 to 40 ईयर्स तक आपको एज लिमिट दिया गया है, और इस तरीके से जॉब पाने के लिए आपको सिर्फ इंटरव्यू देना पड़ेगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। कभी कभी जो इंटरव्यू होता है वो कभी कभी ऑनलाइन बेसिस इंटरव्यू लिया जाता है। तो मेरे हिसाब से टीसीएस में जो ये जो इंटरव्यू होगा टोटली ऑनलाइन बेसिस होगा। आप किसी भी साइबर कैफे, आप किसी भी, आपके घर में लैपटॉप भी है तो आप उसके सामने बैठकर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो सैलरी जो पैकेज रहेगा वो 26,000 से 45,000 तक पर मंथ आपको सैलरी पैकेज मिलने वाला है। और एप्लीकेशन का जो फीस है वो जनरल ओबीसी और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। तो कंपनीज की जो जॉब है उसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड और ग्रेजुएशन आप पास आउट कर चुके हैं तो आप इस तरीके से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस जॉब को पाने के लिए आपको जो अप्लाई का लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। तो मैं इस जॉब को अप्लाई करने से पहले दो चीज मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपका कंप्यूटर बेसिक स्किल अच्छा होना चाहिए। बेसिक स्किल मतलब कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल और इंटरनेट, इस तरीके से चीजों का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक टू एडवांस लेवल इस चीजों के बारे में जानना है, कंप्यूटर स्किल के बारे में जानना है, तो आप मेरे इसी चैनल के माध्यम से एक प्लेलिस्ट मैंने आपको बना के दिया, जो अब इन डेप्थ एक्सेल के वगैरह, एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड और इंटरनेट वगैरह सब कुछ आप सीख सकते हैं। किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मतलब यूज करके आप इजी तरीके से आप काम कर सकते हैं, वो सारे डिटेल्स में मेरे इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जाकर जरूर चेकआउट करिए। उसके साथ आपको डेली बेसिस एक शॉर्ट वीडियो भी मिलेगा। शॉर्ट वीडियो में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जाकर जरूर चेकआउट करिए। तो जॉब की जो अप्लाई का लिंक है, अगर वहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो मैं लिंक डायरेक्टली आपको देके रखा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, तो इसका मतलब आईटी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आप बीपीएस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बीपीएस के बारे में बताऊंगा। तो बीपीएस के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस लिखना है, उसके बाद ओटीपी सेंड करना है। चलो मैं एक बार ईमेल एड्रेस लिखकर ओटीपी सेंड करके आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा देता हूँ। देखिए, उस स्टेप को फिलअप करने के बाद आपको आधार नंबर डालना है। तो जो आपका आधार नंबर है यहाँ पे डालिए, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम सब कुछ डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसके बाद यहाँ पे चेक बटन में क्लिक करिए, उसके बाद प्रोसीड में क्लिक करिए। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, सिंपल सा स्टेप है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो में आपको सब कुछ जानकारी मिल चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, मैं जरूर कहूंगा आप मेरे कंप्यूटर स्किल के वीडियो जरूर देखिए। मेरा इस फील्ड में 15 साल की एक्सपीरियंस है, जो मैं आपको एक एक करके सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज जाकर उस वीडियो को चेकआउट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।